निकल रहे हैं आज चावड़ी की तरफ, थोड़ा सा पहले सर को घुमा के ला रहे हैं, तो हमने सोचा कि घूम के आते हैं, सर को भी थोड़ा सा घुमाते हैं यहाँ का कैसा है हमारी तरफ के मार्केट वगैरह। अभी घूमने जा रहे हैं हम ये अगोंडा बीच पे, एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो सर को पहले अगोंडा बीच घुमाना है, बाकी अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कर रहा हूँ GoPro 9 से, तो क्वालिटी तो ओबियसली बेटर हो ही जाएगी, बट फ़ोन से भी क्वालिटी अच्छी आती थी, इंडोर क्वालिटी का फ़र्क रहता था थोड़ा। तो अब आप कमेंट करके ही बताना क्वालिटी कैसी है, बाकी आपको सनसेट और यहाँ का बीच पूरा वो दिखाता हूँ चल के। अभी तो अभी हम पहुंच चुके हैं बीच की तरफ, एंड सर पहली बार आए हो बीच पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है आपको? नॉट फर्स्ट टाइम ऑन द बीच, बट फर्स्ट टाइम ऑन दिस बीच। दिस बीच तो क्राउड तो बिल्कुल अब है नहीं, बहुत कम क्राउड है। और अभी सामने का सूरज का व्यू भी दिखा देते हैं, ये इस तरह का हो रखा है, अभी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। और आजकल अगोंडा बीच काफ़ी दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी बाहर किसी और बीच पे जाना इतना हो नहीं रहा, कोलवा बीच दिखाया पिछले व्लॉग में आपको। तो अभी मोनिका का कैमरे से रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है। और आज जो है लो टाइड है, तो लो टाइड से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है बीच की साइड में ना। हाई टाइड होता है शाम में, तो वो इवनिंग वाला फील नहीं होता कई बार, जैसे जो इवनिंग में फील होता है ना वो नहीं होता है। तो अभी सनसेट हो चुका है, एंड ये व्यू देखो जो सामने का है, सामने सरदार जी दिख रहे हैं, मोनिका दिख रही है, और इधर सर हैं। तो सर की फैनी चल रही है आज, पानी पी रहा हूँ, पानी पी रहे हैं। और हमसे मिलने आए हुए हैं मैम, आए हैं मुंबई से। मैम का नाम पूरा? अपूर्वा। पूर्वा बस, ओके। तो मैम का नाम है पूर्वा, और साथ में सर है। सर का नाम पूरा? केविन। हाँ, तो ये मुंबई से आए मिलने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। अभी इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, और वो साथ में है स्काइलर, तो वो उनका बेटे का नाम है। हाँ उसका याद है मुझे, तो बहुत क्यूट बेटा है। यू डू हाय स्काइलर, कॉलिंग यू, हेलो, बिजी ईटिंग। हाँ कोई नहीं, बिजी ईटिंग। तो अभी निकल रहे हैं घर वापस, और 9 बज गए हैं, डिनर वगैरह यहीं हो गया है, तो अभी गुड नाइट, सुबह मिलते हैं दोबारा वापस। तो अभी निकल रहे हैं कॉटेज की तरफ, और अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं DJI पॉकेट 2 से, तो देखते हैं इसका। अभी शीशा गंदा हो रखा है, तो ओबियसली आपको सामने का गंदा ही दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने साफ नहीं किया सुबह सुबह, और बस चल दिया हूँ एकदम। कल लेट हो गए थे काफ़ी घूम के आने में, पर ये हैंडी बहुत है। हाँ बिकॉज कोई टेंशन नहीं है इसको पकड़ के बैठने में। हाँ, और इसमें प्लस पॉइंट मुझे जो लग रहा है ना, माइक है, मैं कितना भी दूर होके बात कर सकता हूँ कैमरे से, और हिलता भी है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो। हाँ, इसका जो गिम्बल है वो मैनेज कर लेता है। हाँ वो उसमें काफी सारे मोड है, ये मैंने पूरा आज सुबह से बैठ के यही कर रहा था कि भाई इसको कैसे यूज करना है, पूरा चेक किया है सारी चीज़ें। तो अभी अपने कॉटेज पे खड़े हैं, और बाकी इधर अपने ये किधर घूम रहा है, ये बड़ा स्लो घूम रहा है। तो ये लोग आज घूमने जा रहे हैं सैंडोलेक्स, है ना, सैंडोलेक्सम ब्रिज घूमने के लिए जा रहे हैं। इधर ये छोटू सौर्या, तो ये सभी लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, बाकी हम लोग इधर थोड़ा काम देखते हैं। कल आए नहीं थे इधर, कल और परसों दो दिन, हाँ खेती बाड़ी का काम देख लेते हैं, दो दिन हम इधर आ ही नहीं पाए थे।
और अभी थोड़ा सा इस कैमरे के यूज टू होने ही मैं इतना, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो हमने सोचा ये कैमरा भी चेक किया जाए और इसका भी रिजल्ट हमने देखे कि कैसा लगेगा। खैर वो तो आपको पता चलेगा सामने से वीडियो देखने में। आउटडोर हमने इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाई इससे, और अब इंडोर बना रहे हैं। तो अब जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं आज की डेट में, मतलब काफ़ी लोग परेशान हैं। तो जैसे बहुत सारे कॉल्स हमें आ रहे हैं कि अभी गोवा आना चाहिए ये टाइम पे, या जो ऑलरेडी कई लोगों की बुकिंग्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हमें बुकिंग कैंसिल करानी चाहिए या कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये सारी जो क्वेरीज है ना उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। एक्चुअल में है क्या गोवा में नाइट कर्फ्यू तो है कि भाई रात को 11 से सुबह 9 बजे तक, बट इन बिटवीन कोई भी जो सर्विसेज हैं जैसे आपके कसीनो हो गए, पब्स हो गए, कुछ भी बंद नहीं है, तो उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ। तो अगर आपकी बुकिंग है और ऑलरेडी आपने गोवा का प्लान कर रखा है, आप आना चाह रहे हो, अभी बुकिंग नहीं भी है तब भी आप बुकिंग करना चाह रहे हो, तो बिंदास बुकिंग करो, आओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खुला है, एवरीथिंग इज ओपन। तो जब तक चीजें बंद नहीं होती तब तक आने का फायदा है। हम कब आपको मना करते हैं कि आप मत आओ? जब चीजें बंद हो जाती है, जैसे मार्केट बंद हो गया, क्लब्स बंद हो गए, पब्स बंद हो गए, कैसीनोज बंद हो गए, तो फिर आने का कोई सेंस नहीं है। तो ये सारी बातें तो हो गई आने से रिगार्डिंग। और एक बार मैं गाइडलाइन भी रिफ्रेश कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने गाइडलाइन की वीडियो बनाई थी, तो वो कई लोग उसके लिए भी पूछ रहे हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो गाइडलाइंस कैसा है, जब आप एंट्री करते हो किसी भी बॉर्डर से या फिर एयरपोर्ट पे या फिर रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे या तो आपका डबल डोज सर्टिफिकेट देखा जाता है, या तो कोई भी ICMR से अप्रूव्ड नेगेटिव रिपोर्ट देखी जाती है। वो सेम है बिल्कुल, जो पहले था वही चल रहा है, उसमें बिल्कुल सेम चल रहा है। और इनकेस आप रिपोर्ट भी नहीं लेके आते हो और आपके पास डबल डोज सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप यहीं पे आके भी चेक करा सकते हो, ये भी फैसिलिटी है सब जगह पे, इधर एयरपोर्ट पे भी और रेलवे स्टेशन पे और बॉर्डर्स पे भी। और अब बात करते कोई क्वारंटाइन वगैरह ये भी अभी सबसे कोई बड़ी बात, क्वारंटाइन बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज है, जो केरला से लोग आ रहे हैं उनसे डबल डोज सर्टिफिकेट के साथ साथ RT-PCR मांग रहे हैं। मांग रहे हैं वो लोग। इवन तो KL नंबर की कोई गाड़ी देखते हैं बॉर्डर पे, तो वहाँ पे भी सेम उनसे पूछा जाता है, क्योंकि कोई आया था जानने वाला, तो उनकी KL नंबर की गाड़ी थी, मुझे कमेंट ही किया था एक्चुअली उन्होंने, तो उनको रोका गया जब उन्होंने अपनी जॉब सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए, आई कार्ड दिखाए, जो वो बेंगलोर में करते थे जॉब, तो फिर उनको जाने दिया। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत परेशान किया जा रहा है या ऐसा कुछ, बिल्कुल स्मूथ एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट ऐसा दिखाओ अपने फोन में सर्टिफिकेट और आ जाओ। हाँ, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, काफी लोग परेशान थे कि भाई हाँ क्या चल रहा है, आए नहीं आए। तो देखो, आने को तो अगर आपका प्लान है तो आप आओ, फिर कैंसिल मत करो। इनकेस प्लान नहीं बना रखा है तो आप हो सकता है वेट कर सकते हो 10 दिन 15 दिन के आसपास। बट अगर जैसे आपने मन बना लिया कि आपको आना है, तो इधर आने में दिक्कत कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुला है, आराम से आ जाओ। हाँ, तो होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये भी बताना, ये जो हाँ आज जो आज के डे की ये रिकॉर्डिंग हुई दिन की नाइट के बाद, वो सारी कैमरे से हुई है, ये जो DJI पॉकेट 2 है, और उससे पहली जो की थी जो बीच साइड थी वो सारी की थी मैंने GoPro 9 से। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ दोनों कैमरे में कौन से कैमरे की क्वालिटी कैसी है। जो लोग इंटरेस्टेड है जैसे ब्लॉगिंग करते हैं या देखना चाहते हैं कौन सा कैमरा अच्छा है कौन सा खराब है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी मुझे भी बता देना, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूंगा जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।